Assalamu alaikum dear students, welcome to Umair Khan Academy. How are you today? You will be fine, I hope so. Today, we are going to do an experiment. It is called the determination of heat of neutralization of a strong acid and a strong base. So, let's have a look. तो जैसा कि हम मालूम करना चाह रहे हैं आज एसिड बेस की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है क्या? अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि अगर हम एक एसिड और बेस को आपस में मिलाएं जो इक्वो मोलर हो और उनकी मकदार भी इक्वल हो, तो जो हाइड्रोजन आयन एसिड से आएंगे और OH आयन बेस से आएंगे वो आपस में रिएक्ट कर कर वाटर बनाएंगे. इस दौरान जो हीट इवॉल्व होगी That will be called heat of neutralization. यानी पानी बनने के अमल को जब एसिड और बेस हम मिलाते हैं तो उस दौरान निकलने वाली हरारत को हम heat of neutralization कह सकते हैं. अगर हम बात करें तो heat of neutralization का एक फार्मूला है that is m1 s1 plus m2 s2 into theta divided by 1000 multiplied by 1000 over mv. अब इसमें m1 क्या है? It is a mass of calorimeter. S1 is a specific heat of calorimeter, M2 is a mass of solution, S2 is specific heat of solution, theta is rise in temperature, और M से मुराद है molar, और M से मुराद है molarity of acid or base, V is a volume of acid or base. अब हम बात करते हैं इसके procedure के बारे में. अब procedure क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0.1 मोलर सॉल्यूशन ले लेंगे, कोई भी एक ले लें, फॉर एग्जांपल HCl का, और उसको कैलोरीमीटर में डाल दें. लेकिन ये वाली बात याद रहे कि कैलोरीमीटर का एम्प्टी हालत में जब लिड और स्टिरर साथ हो हम वेट कर लेंगे. जो 2 नंबर पॉइंट है इसमें हम नोट करेंगे टेम्परेचर ऑफ HCl, इट विल बी कॉल्ड T1. इस टेम्परेचर को लेने से पहले थोड़ा सा वेट कर लेंगे ताकि जो हमने कैलोरीमीटर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है वो वहाँ पर सेटल डाउन हो जाए और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो. फिर इसके बाद जो दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है, जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर और 50 ml, वो भी हम डाल देंगे कैलोरीमीटर में. अब क्या होगा? अब जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान रिएक्शन स्टार्ट होगा और इस रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व होती है और ये हीट हमें नज़र आएगी थर्मामीटर के ज़रिए से. तो हमने क्या करना है? स्टिरर को हिलाना है. स्टिरर से हिलाकर जो रिएक्शन है वो होता रहेगा और होमोजीनियसली होता रहेगा और जो हरारत निकलेगी वो हम मालूम कर लेंगे. जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर मालूम कर पाएंगे दैट विल बी कॉल्ड T2. अब क्या करना है? दोनों सॉल्यूशन का वेट कर लेना है कैलोरीमीटर समेत और फिर उसमें से कैलोरीमीटर का वेट माइनस कर देना है और हमें सिर्फ मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन. अब कैलकुलेट करना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को. ये था प्रोसीजर के बारे में एक क्विक रिव्यू. अब हम चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट करने की तरफ. सबसे पहले हम अपना बैलेंस देख लेंगे, वो एक मतवाजन सतह पे पड़ा हो और ये कुछ कैलोरीमीटर के हिस्से हैं दैट इज स्टिरर, जो एक वायर लाइक है, ये इसका लिड है, इस लिड में स्टिरर को डाला जा सकता है. ये कैलोरीमीटर का आउटर और इनर जैकेट है और अब हमें करना ये है कि अपना स्टिरर और अपना लिड इनको जो रखना है स्पेसिफिकली, मूव भी कर सकता हो हमारा स्टिरर इसके अंदर. तो ये एक एम्प्टी कैलोरीमीटर है, इस एम्प्टी कैलोरीमीटर को हमने बैलेंस पे रख के तोल लेना है. अब जो रीडिंग आएगी इस रीडिंग को आपने नोट कर लेना है अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पर या कहीं पर भी, ताकि हम फर्दर जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ इसको लिखना होगा बकाया तौर पर, हमें पता होगा कि ये खाली कैलोरीमीटर का वजन है. अब कैलोरीमीटर को आप असेंबल करें. इसमें कोशिश करें कि सबसे पहले जो आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन ले लें, इसे एसिड है 0.1 मोलर HCl 50 ml होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पर रख लेना है. थर्मामीटर को भी लगा दें. थर्मामीटर को ऐसे लगाएं कि जो स्टिरर का लूप है वो थर्मामीटर के अंदर से होता हुआ गुजरे, मतलब जो थर्मामीटर है वो लूप के अंदर से हो जाए और मूव करने में आसानी हो. तो ये हमने कर लिया अपना ऑपरेटर सेट. अब करना क्या है? अब करना ये है कि थोड़ा सी देर इसको बेशक रहने दें ऑपरेटर को और देखें कि क्या टेम्परेचर है. अब जो हमें इस पर टेम्परेचर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड T1, यानी इस टेम्परेचर को हम
अपना इनिशियल टेम्परेचर मानेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि असल में हमारी रूम का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो हम जब लिक्विड को उधर डालते हैं तो थोड़ा वक्त लेता है वो एडजस्ट होने में, और जो थोड़ी देर के बाद हमें रीडिंग मिलती है वो बेहतर रीडिंग होती है। अब हमने क्या करना है, अपना दूसरा सोल्यूशन, जैसे कि पहले हमने ऐसे डाला था, तो अब हम बेस 0.1 मोलर 50 ml डाल देंगे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो हरारत में तब्दीली आएगी, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस दौरान हीट खारिज होती है। हमने अपने पास स्टॉप वॉच रखनी है, स्टॉप वॉच के ज़रिए से हम देखते रहेंगे कि 10-10 सेकंड के बाद टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, और स्टीटर से हिलाते भी रहेंगे। इस तरह से थोड़ा वक्त गुजरता जाएगा, 10, 20, 30, 40 सेकंड्स इसी एंड सो ऑन, हम टेम्परेचर को नोट करेंगे। टेम्परेचर को उस वक्त तक नोट करते रहेंगे जब तक वो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम टेम्परेचर पे ना जाए और फिर वापस रूम टेम्परेचर की तरफ लौटने लगे। तो इस तरह से ये एक लॉन्ग प्रोसीजर होगा, और इस दौरान आप बहुत सारे मतलब हैंड फ्री के ज़रिए से गाने भी सुन सकते हैं, कोशिश करें कि काम पे तवज्जो दें वैसे। तो बहरहाल जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए, डाटा आपको मिल जाए, चार्ट आपका कंप्लीट हो जाए या टेबल आपका मुकम्मल हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अब रीडिंग लेनी है। रीडिंग कैसे लेनी है, जो सोल्यूशन है और प्लस कैलोरीमीटर, और बाद में हम इसी में से एमपीटी कैलोरीमीटर का वेट माइनस कर देंगे। आखिर में बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस की। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना है, इस टेबल में टेम्परेचर और टाइम नोट किया जाएगा आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल्स, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के बाद, और हम देखेंगे कि अगर हमारा टेम्परेचर पहले 35 था तो वो जल्दी से इंक्रीज करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, और फिर आखिरकार वो डिक्रीज करता है। अगर इसी डाटा को हम ग्राफ की शक्ल में लिखेंगे तो ग्राफ हमें कुछ ऐसे हासिल होगा, पहले ग्राफ ऊपर की तरफ जाता महसूस होगा और फिर नीचे की जानिब, जब हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर। इस तरह से हमें T1 और T2 मालूम हो जाएंगे, और अगर हम T2 और T2 के दरमियान डिफरेंस ले लें तो दैट विल बी कॉल्ड चेंज इन टाइम, जिसको हम यहाँ पर थीटा से शो करेंगे। अब जब हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो हमारे पास चंद एक वैल्यूज आ गई, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो M1 है इज़ अ मास ऑफ कैलोरीमीटर 50.5 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 0.38 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 91.5 ग्राम है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉल्यूशन 1 लेंगे, राइज इन टेम्परेचर इज ऑब्वियसली 0.72। वो किस तरह से, जब हम T2 में से T1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.72 होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। इस तरह M इज़ अ मोलैरिटी ऑफ एसिड और बेस, हमने वो 0.1 यूज़ की है, वॉल्यूम जो है वो 50 ml यूज़ किया है, किसी एक का भी ले सकते हैं एसिड और बेस। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला में जैसे पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस तरह अभी हमने बोला इसी तरह वैल्यूज़ को लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। अगर यही आंसर हम यहाँ से निकाल पाएंगे तो इट इज़ इन किलो कैलोरी, जैसे कि पॉइंट आउट किया गया। अगर हम इस जवाब को जो निकल आया उसको 4.184 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर किलो जाउल में होगा। ये था आज का प्रोसीजर जिसके ज़रिए से हम मालूम कर सकते थे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे मालूम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है और प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ यू फाइंड दिस चैनल अ वेरी हेल्पफुल टू यू देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन।